नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की स्टोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है यति। यति एक हिमालय में पाए जाने वाला जानवर है ऐसा कहा जाता है, लेकिन किसी को भी यति के सच्चाई के बारे में किसी को भी 100% श्योर नहीं है। ऐसा अलग अलग साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों और लोगों और रिसर्चर्स द्वारा दावा किया जाता है कि उन्हें यति के फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, लेकिन अभी तक किसी ने भी 100% यति को देखा है ऐसा किसी का भी दावा नहीं हुआ। तो चलिए आज हम इसी के बारे में हमारे वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा यति का इतिहास, यानी कि यति का जिक्र पहली बार कब हुआ। जब ब्रिटिश अधिकारी हर्मिंग हेमिंग्वे ने अपनी पुस्तक हिमालयी जानवर में इसे विवरण दिया था, तब से लेकर आज तक यति की कहानियां विभिन्न तरों से के साथ संबंध में आती रही है। इसके बावजूद यति के अस्तित्व के साक्षात्कार या प्रमाण को स्पष्ट साबित नहीं किया गया, लेकिन इसकी खोज और अध्ययन अभी भी जारी है। यानी के इतिहास के बारे में अगर हम सोचे तो यति के बारे में हमें ये पता चलेगा कि यति के बारे में फुटप्रिंट्स तो मिले, यति के बारे में लोग बातें तो करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी यति को अपनी आंखों से सामने नहीं देखा और ऐसा दावा भी आज तक किसी ने नहीं किया। अब दोस्तों हमें जानना होगा कि यति होता है या नहीं, या फिर हमें जाननी होगी यति की होने की संभावना। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों का कहना है कि असल में यति एक भ्रम है या फिर ये लोकल लोगों की मानना है। असल में वैज्ञानिक कुछ ऐसा कहते हैं कि यति जैसा कुछ होता ही नहीं है, बल्कि कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि ये बस लोकल लोगों के मिथाइक में है। अगर हम यति के इतिहास झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि यति की होने की संभावनाएं अक्सर तिब्बत और नेपाल के लोग बताते हैं। उनका ऐसा मानना है कि शायद हिमालय में आज भी कहीं यति प्राणी है जिसे हम हिममानव भी कहते हैं, ऐसा नेपाल और तिब्बत के लोग आज तक मानते हैं। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने यति के अस्तित्व के बारे में नए से खोज करना शुरू की है। नए टेक्नोलॉजी के जरिए नए साइंटिस्ट खोजकर्ताओं ने इस मिशन को हाथ में लिया है। वे ये जानना चाहते हैं क्या सच में यति जैसा कुछ है भी या ये सिर्फ कहानियों में है। इसीलिए ये टीम रात दिन इसी मिशन पर लगी है कि वे यति का अस्तित्व पूरे दुनिया के सामने ला सके। इतना ही नहीं बल्कि यति के बारे में हम अगर जाने तो भारतीय सेना ने भी एक बार कहा था कि उन्हें यति के फुटप्रिंट दिखे हैं। यति जो कि बहुत ही पुराना और कहानियों में आए जाने वाला जानवर है, उसके फुटप्रिंट भारतीय सेना को भी दिखे थे, ऐसा दावा भारतीय सेना ने कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों पहले किया था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में यति हिममानव जैसा कुछ होता भी है या ये सिर्फ कहानियां हैं? अगर हमें इसे सिर्फ कहानी मानना है तो इतने लोगों की बात को झूठ कहना भी सही नहीं होगा, लेकिन अभी तक यति का अस्तित्व भी पूरे दुनिया के सामने नहीं आ सका। आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यति होते हैं भी या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद।